लेकिन आज का मैच सीएसके ही जीतेगा एट एनी कॉस्ट। ये मैंने पहले दिन जब आईपीएल का मैच स्टार्ट हुआ था पहले ही बता दिया। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण भी किया गया है। सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और फोर क्लॉक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे को न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज आपका भाई लेके आ चुका है आप लोग के लिए देवरिया से काफ़ी अच्छा वीडियो। दोस्तों आज हम इनवाइट है एक खास जगह पे, काफ़ी अच्छा इवेंट है और आज हम देखने वाले हैं वहाँ पे जाके लाइव क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, और सीएसके को करने वाले हैं फुल सपोर्ट। तो दोस्तों आज हम कहाँ जा रहे हैं पूरा ब्लॉग वाकई आगे आपको देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा मैं पता बता दूं कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। देवरिया के पास में पड़ता है बैतालपुर। वैसे तो जो लोकल लोग हैं उनको पता होगा कि बैतालपुर कहाँ पे है, पर जो हमारा ब्लॉग बाहर से देख रहे हैं उनको बता दें कि हमारे देवरिया के पास ही में है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है बैतालपुर। और वहाँ से हमें और अंदर जाना है गाँव में, तो वहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर फिर हमें और अंदर जाना है। टोटली जो है 10 किलोमीटर हम जाने वाले हैं। और आज हम जाने वाले हैं अपने देवरिया के जागृति संस्थान, जहाँ पर लाइव क्रिकेट का जो है प्रोग्राम रखा गया है। तो चलिए आज फुल सपोर्ट करेंगे सीएसके का। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो जो भी आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों चलने से पहले एक और बात मैं बता दूँ, तो अभी तक अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? भाई आपका भाई जो है यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर अपडेट दे देता है स्टोरी और पोस्ट के माध्यम से, तो जाइए जल्दी से फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं, इवनिंग के हो रहे हैं 6 o'clock और हमारे साथ हैं कपूर भाई। बस इनका यही आवाज़ ही आता है, बाकी आगे चल के आपको मिलवा देंगे क्योंकि अभी हम ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। बाकी देखिए सनसेट भी हो रहा है, इधर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है और हमें जल्दी से जाना है। और ये देखिए काफ़ी प्यारा सनसेट हो रहा है और अभी हम लोग हैं देवरिया और गोरखपुर ओवर ब्रिज पे। तो गाइस आप लोग हेलमेट लगा के बाइक चलाए कीजिए क्योंकि देवरिया में इस समय काफ़ी तगड़ा चालान कट रहा है। जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं सुबह आठ बजे से कट रहा है। अरे वो तो मान लो सरकारी ड्यूटी भाई, वो भी आपकी सुरक्षा के लिए चालान काट रहे हैं ताकि आप दोबारा गलती ना करें, आप हेलमेट लगा के चले। क्योंकि आप लोग हेलमेट लगा के बाइक चलाएंगे तो आपका सिर सेफ रहेगा, क्योंकि मेन सिर होता है, अगर सिर में चोट आ जाए तो समझ ही सकते हैं, अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है आप लोग हेलमेट लगा के बाइक चलाए कीजिए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल टंकी, डीजल और पेट्रोल दोनों तो है वहाँ पर, कहीं घर वाले 96.35 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बैतालपुर, अभी लोकेशन क्लियर नहीं है। अच्छा जागृति संस्था में हम लोग जा रहे हैं, जागृति संस्था पे जाना है, जागृति संस्था पे हम लोग जा रहे हैं। बाकी जो अपडेट है वो हम वहाँ पे पहुँच के देंगे क्योंकि मुझे भी अभी क्लियर नहीं है, सिर्फ कपूर भाई को पता है, थोड़ा बहुत इनको भी पता है, बाकी जो है मैं क्लियर कर दूँगा वहाँ पहुँच के। यहीं से चलना है। तो दोस्तों लगभग यहाँ से अभी 4-5 किलोमीटर है जागृति संस्थान जहाँ पे हमें जाना है। हाँ पर धूप इतना था ना भाई, हम लोग पहले निकल नहीं पाए क्योंकि ऑलरेडी आज हम लोग सुबह से एक जगह और व्यस्त थे, इस वजह से लेट हुए। कोई नहीं, हम लोग पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग लेंगे टर्न रोड, देखिए भाई साहब रोड। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए जागृति संस्था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ है देख सकते हैं आप। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जागृति संस्थान, इधर देख सकते हैं आप लोग पूरा ये व्यू। अभी जो है
बाहर का कुछ काम चल रहा है और आपको दिखाने वाले हैं भाई साहब काफी पुराना बरगद का पेड़। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है और 400 साल पुराना भाई साहब ये पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग बरगद का। और एकदम जागृति संस्थान के ठीक बगल में ये पेड़ देख सकते हैं आप लोग। आइए आपको आगे और ले चलते हैं, अभी खाते हैं इधर से। काफी सेफ रखा गया है, पानी भरने वाला है, यहाँ पे पानी रहेगा, आधा एरिया पानी में रहेगा। अच्छा, ये पानी भरेगा? हाँ, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। जी जी जी, देख सकते हैं। काफी बड़ा जो है पेड़ है, 400 साल पुराना है। तो गाइस चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखा रहे हैं अंदर का। कपूर भाई पहले पहुंच गए हैं अंदर, कुछ मीटिंग वगैरह भी चल रहा है। तो मेरा गेम का नाम था बहुत पुराना करके थे, लेकिन जब मैं 12वीं कक्षा में आया तो अब्दुल्ला सिर्फ 12वीं कक्षा में था, क्योंकि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, फेल होते रहते थे, तो मेरे कुछ में थे। तो इतने अच्छे एथलीट थे, 4 साल से अपनी जनरल चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी। तो मैं केडीसी बाबू स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, 100, 200, 400 का मैं था। तो मैं निकला वहां से तो अब्दुल्ला भारी वर्कम था, वो आया, मैंने बोला त्रिपाठी सुनते तू बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने बोला अब्दुल्ला तुम थोड़ा थोड़ा शरीर भारी है तो तुम डिस्कस जैवलिन और इन सब में तो ले जाओगे, लेकिन 100, 200, 400 में तो मैं हराऊंगा। एकदम बहुत चक्का हो गया, क्योंकि पिछले 4 साल से किसी ने हराया, तो 100, 200, 400 मैंने उसको हराया। मुझे जाएंगे मिला, मैं वहां से मिला आई आई टी में। मैं 15 अगस्त को अमृतकाल का शंखनाद किया था, तो उस दिन मैं लाल किले की प्राचीर पे था। और आज उसी साल में हमारे 75वीं वर्षगांठ में उन्होंने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि हमारे नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, उसका भी हम लोग एक छोटा सा क्लिप देखेंगे। हो सकता है 9 मिनट का न रखें उसको, 5 मिनट का रखें, लेकिन ये पहला क्लिप देखिए, वो दूसरा क्लिप देखिए। सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकाश संसद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण भी किया गया है। अलग है, लेकिन धोनी की कप्तानी एक तो लास्ट मैच है धोनी जी का, और धोनी जी की जो बैलेंसिंग स्ट्रेटजी है उसका अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोई जवाब नहीं है। किसी भी परिस्थिति में वो उस चीज को मैनेज कर लेते हैं, यही एक सफल राजनेता की क्वालिटी है, एक सफल बिजनेसमैन की
भी यही स्ट्रेटजी है और यही एक सफल क्रिकेटर की भी स्ट्रेटजी है। तो गाइस अपना जो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, मैच अपना बारिश के कारण रुका हुआ है, इसलिए सब अभी नाश्ता करने आए हैं। बाहर देख सकते हैं इधर नाश्ते का काउंटर है। तो दोस्तों ये अपना नाश्ता, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक चिल चिल। तो दोस्तों कल जो है हम काफ़ी ज़्यादा अरमान लेके गए थे कि भाई क्रिकेट देखेंगे लाइव पर्दे पे, एकदम सबके साथ एंजॉय करेंगे। और आप लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था लाइव क्रिकेट देखने के लिए। और शशांक सर का हम लोगों ने स्पीच भी सुना, जिनका स्पीच काफ़ी प्यारा होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आके लगता है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं उनसे। तो इसलिए जब भी हमें इन्वाइट किया जाता है हम पहुँच जाते हैं उनके पास। इससे पहले भी मैं कई जगह गया हूँ पर ब्लॉग नहीं किया हूँ, पर मैंने सोचा कि आज क्यों नहीं करते हैं। और आपको भी बताते हैं कि अपने देवरिया में काफ़ी अच्छा संस्थान खुल गया है, वहाँ का मैं एक स्पेशली वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए पूरा डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो बाकी भाई साहब CSK तो फाइनली जीत ही गया, आई लव धोनी सर, क्योंकि भाई बहुत बड़े फ़ैन है, पूरी इंडिया उनकी फ़ैन है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया ही उनकी फ़ैन है धोनी सर की, क्योंकि भाई एक नंबर प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। और दोस्तों आप लोग का प्यार जो है सफल हुआ, CSK जीत गया। पर थोड़ा सा अफसोस मुझे ये था कि उस दिन देखे रहते अगर लाइव बैठ के सबके साथ में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया रहता, क्योंकि भाई मेरा सेकेंड टाइम था जब मैं पर्दे पे क्रिकेट देखने वाला था, क्योंकि भाई मैं इससे पहले जो है गोरखपुर के ओरी मॉल में लाइव क्रिकेट जाके देखा हूँ। तो वही वाली खुशी आ रही थी कि भाई सबके साथ रहेंगे, खूब मज़े करेंगे, खूब चिल्लाएंगे, पर कोई नहीं, काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि भाई यूट्यूब से पहले जो है अपडेट मैं इंस्टाग्राम पर दे देता हूँ।